तो हे गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों अपग्रेड और अपडेट जो कमांड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है काली लिनक्स में। तो यहाँ से अगर मैं रूट टर्मिनल खोल लेता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं कि अपडेट और अपग्रेड कमांड करती क्या है। अपडेट कमांड जो होती है वो आपके सिस्टम के जितने भी पैकेजेस, जितने भी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उन सबको अपडेट करती है। उसके बाद कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जो आपके पुराने पड़े होते हैं, जिनको कि आपको अपडेट करना होता है सिस्टम के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो लेटेस्ट वर्जन है काली लिनक्स का इंस्टॉल कर रखा है, दैट इज़ 2021.2। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप अपडेट और अपग्रेड दोनों कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना रखी कि आप कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ये कवर नहीं किया था कि जो अपग्रेडेबल होते हैं उनको लिस्ट कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि sudo apt अपडेट अगर मैं लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अपडेट कर रहा है मेरे सिस्टम को, ठीक है। तो मैं इसको पहले रन कर चुका हूँ, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और यहाँ पे जो ये जो आप पीछे देख रहे होंगे इस विंडो में मेरी अपडेट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 811 पैकेजेस आर टू बी अपग्रेडेड। तो यहाँ पे सारे के सारे जो पैकेजेस हैं वो अपग्रेड ले रहे हैं, ठीक है। ये 19 घंटे का टाइम बता रहा है। अगेन, जो आपकी इंटरनेट स्पीड है वो मैटर करती है। तो यार, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से पैकेजेस हैं जो अपग्रेडेड नहीं है? तो यहाँ पे आपको बता देगा कि 816 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। तो मैंने ये पहले से लगा रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 811 आ रहा है। अब यहाँ पे इसने बढ़ा दिए क्योंकि मेरे जो सिस्टम में है उसमें मैंने अपडेट कर दिया। तो कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हुए होंगे, कुछ पैकेजेस ऐसे होंगे जो नए आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो कमांड है वो लगानी है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप रूट यूज़र हैं तो आपको sudo यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पर कर सकते हैं apt list एंड देन डबल हाइफन अपग्रेडेबल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग का यार ध्यान रखना क्योंकि स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने लिख दिया अपग्रेडेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने मेरे को सारे जितने भी पैकेजेस हैं मेरे, ठीक है, जितने भी पैकेजेस हैं जो अपग्रेड हो सकते हैं, जो अपग्रेडेबल हैं, उनको लिस्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पैकेज को अपग्रेड करना है तो आप क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर पैकेज का नाम दे के उसके बाद अपग्रेड कमांड को रन कर सकते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर पैकेज को अपग्रेड कर देगा। तो इस समय यार, और एक चीज़, अगर आप सिस्टम को, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी नई चीज़ इंस्टॉल नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अगर मैं apt इंस्टॉल, अगर मैं कमांड, लेट सपोज apt get इंस्टॉल kdenlive, अगर मैं kdenlive को इंस्टॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि अनेबल टू एक्वायर दी डेटा पैकेज फ्रंट एंड लॉक इज़ अनदर प्रोसेस यूजिंग इट। तो ये वाली जो अपग्रेड प्रोसेस है यार, ये रन कर रही है पीछे, तो मैं जो पैकेजेस हैं इंस्टॉलेशन के लिए वो मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैं आपको खाली बता रहा हूँ, बी अवेयर दैट रिमूविंग द लॉक फाइल इज सॉल्यूशन तो मे ब्रेक योर सिस्टम, ठीक है। तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यार, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोज़ के अपडेट जो है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।